भारत में एक कुंभ ऐसा भी होता है जिसकी चर्चा सुनने को नहीं मिलती। असल में यह कुंभ आदिवासी समाज का होता है। राजस्थान के डूंगरपुर में यह मेला जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी के पहले हफ्ते तक पूर्णिमा के आसपास होता है। इस मेले में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचते थे। मेले का मुख्य आकर्षण आदिवासी जीवन और जीवन को प्रतिबिंबित करती हुई झलकियाँ रहीं। यह आदिवासी मेला हर साल डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर धाम में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत 10 राज्यों से आदिवासी समाज के लोग शामिल होने पहुंचे हैं। यह आदिवासी महाकुंभ मेला करीब 1 महीने तक चलता है। हालांकि मुख्य मेला सिर्फ 8 दिनों तक ही चलता है। उत्तर भारत में यह आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले की अपनी कई खासियतें होती हैं। आदिवासी मेले में रात के वक्त बाकी मेलों की तरह सन्नाटा नहीं पसरा रहता, बल्कि 24 घंटे रौनक नजर आती है। आदिवासी समाज के इस मेले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यह मेला पिछले करीब 450 सालों से लग रहा है। इस आयोजन की एक खास बात यह भी है कि आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियां 3 नदियों के संगम वाले इसी घाट पर विसर्जित करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हुए आयोजन करते हैं। आदिवासी समाज का संगम और हरिद्वार यही जगह है।